समझ नहीं है इंतजार आग्रह करने पर साथ बचा पाई कार जी, स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस नए ब्लॉग में, जिस ब्लॉग में आपको माँ के रिटायरमेंट सेरेमनी की पूरी झलक देखने को मिलेगी। यह क्षण जो था हम सभी फैमिली मेंबर्स के लिए एक प्राउड मोमेंट था जी, इसलिए आपको इस वीडियो में ज़्यादा वॉइस ओवर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस दृश्य को हमने महसूस किया था उस दृश्य को आप लोग भी देखो उसी रूप में और आप लोग भी महसूस करो। जुदाई हम उसको करते हैं जो सभी के लिए चला जाता है, विदाई हम उसको करते हैं जिनसे पुनर्मिलन की आशा होती है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज हम इस विदाई समारोह में ऐसे महोदया का विदाई समारोह कर रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा की रोशनी को बिखेरने में लगा दिया। प्रेसनी माता रा सोभन जावान विदा थे भोजग माया अग्नि जे बाछ स्थिर रंग सुष्टवाध्वन सस्ता न्यास माई दे माई तम यो ईमानदारी कड़ी मेहनत ज्ञान अनुभव स्नेह एवं दिए गए कार्यों के त्वरित निष्पादन का प्रतिफल यह है कि आप बिना किसी अवरोध के शानदार एवं सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हुई हैं। अभिनंदन करता समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकागण प्रखंड
आलमनगर मधेपुरा बिहार। जोरदार तालियां। इसलिए कि अपनी स्वच्छ छवि के साथ सेवा काल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सरकारी नियमानुसार सेवानिवृत्ति की निर्धारित उम्र को पूरा कर आज ये कर्तव्य मुक्त हो गई है। तीन पर्वत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जोरदार तालियां। और 6 महीना को आप पूरे अनुमंडल के प्रभार में रहे। बहुत कम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है जो पूरे अनुमंडल का प्रतिनिधित्व की है, जिसमें ये गौरव आपको भी प्राप्त है। 6 महीना तक आपने उदा किस्म अनुमंडल में कार्य किया और आपकी कितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं विगत 2 दिन पहले तक उदा किशनगंज में प्रशिक्षक के तौर पर राष्ट्रीय के अंतर्गत प्रशिक्षण दे रहा था और पूरे अनुमंडल के सभी 82 को कार्ड देने का दायित्व मुझे दिया गया। किसी किसी प्रखंड से 1-2 शिक्षक ही शामिल थे लेकिन पूरे अनुमंडल से थे। मैं जब दे रहा था तो लगभग सभी प्रखंड से आए हुए शिक्षक आपके प्रति काफी हमदर्दी रखते हैं, इसका पता वहां मुझे चला। निश्चित ही आपने जिस तरह से अपने दायित्व का निर्वहन किया वह बहुत ही सराहनीय है। और आलमनगर प्रखंड में जितने शिक्षा कर्मी है जहां जहां इन्होंने शिक्षकों को समझाने का काम किया या दायित्व देने का काम किया, मैं चाहूंगा कि मैडम फिर आलमनगर आती जाती ही रहेंगी और लोगों से मिलती जुलती रहेंगी। वैसा ही समर्पण भाव रहेगा जैसा आपने पाया है उसी तरह फिर आप पाते रहेंगे। इसलिए इस काम की वेला में इनका सम्मान कीजिए और एक बार जी, उदासीन भी रही है, बड़बड़ा भी रही है और अधमर भी रही है। उनका जो क्रियाकलाप रहा है हमें कोई ऐसी बात सुनने को नहीं मिला है कि एक अच्छे नहीं थे, एक अच्छे थे, व्यवहार कुशल है और हमको लगता है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी अच्छे रहेंगे, व्यवहार कुशल है। फिर जी विदाई गीत के समापन के बाद वहाँ मौजूद जितने भी सम्मानित लोग थे, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो पदाधिकारी हों, चाहे वो स्थानीय नेता हो, चाहे समाज के लोग हो, सभी माँ को सम्मान के तौर पर भेंट प्रदान कर रहे थे।
फिर जी जब सभी ने माँ को गिफ्ट दे दिया, उसके बाद बारी आई माँ के विदाई भाषण की। और जब माँ विदाई का भाषण देने आ रही थी, इतनी ज़्यादा भावुक थी कि माँ ढंग से माइक भी पकड़ नहीं पा रही थी। आप लोगों के बीच मेरा कार्यकाल कैसा रहा या ऐसा करने की बात है, मरने की बात है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर जाने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। हाँ,